पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पाइप जो है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एल गिवन है ओपन एट बोथ एंड, तो समझ में आ रहा है कौन सा केस है, एक पाइप ओपन एट बोथ दी एंड का केस है। तो विच हार्मोनिक मोड, बताओ कि कौन सा हार्मोनिक यानी कि कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय 1.1 किलोहर्ट्ज़ सोर्स। वो कह रहा है एक काम करते हैं, मैं आपको फ्रीक्वेंसी देता हूँ 1.1 किलोहर्ट्ज़, किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 हर्ट्स आएगा। तो 1100 हर्ट्स किस मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ मैच करता है मुझे बताओ। तो हिट एंड ट्रायल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले पाइप ओपन एट बोथ एंड के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल, आपको वी पता है, आपको एल पता है, आपने पहली फ्रीक्वेंसी मैच कर ली, आंसर 1100 नहीं आया ना, तो कम से कम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन तो आंसर नहीं है। फिर आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी निकाल के देखी, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पाइप ओपन एट बोथ एंड में 2 into ν₁, इसको आपने डबल किया तो आंसर क्या आया, 1100 आ गया। ऐसे अगर ना आता फिर अगला भी सॉल्व करते, तो 1100 आ गया। तो यानी कि कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सेकेंड, और कौन सा हार्मोनिक है, टू, तो सेकेंड हार्मोनिक इज द आंसर। अब वो कहते हैं काम करो, सेम क्वेश्चन रिपीट करो, जब पाइप एक एंड से क्लोज है एक एंड से ओपन है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला विल चेंज। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा वी, इसमें था वी बाय 2L, उसमें क्या होगा वी बाय 4L। आप पहली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर आप दूसरी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, कोई केस मैच नहीं करेगा, तो लिख देना कि सेकेंड केस में कोई केस मैच करता ही नहीं है, जिसमें कर गया तो केस लिख दो, नहीं किया तो नहीं, करके देखना पड़ेगा, दो तीन फ्रीक्वेंसीज को निकाल के देखना पड़ेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, तो सारी कोई भी अगर स्टूडेंट कहेगी 1100 फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा केस मैच करेगा, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि केस मैच करेगा ही करेगा, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, ठीक। इसे करके दिखाया हुआ है, ये फंडामेंटल है, ये थर्ड है, क्योंकि पाइप क्लोज एट वन एंड में पहली फ्रीक्वेंसी ν₁ है, दूसरी 3 into ν₁ है, नेक्स्ट 5 into ν₁ है, तो इसमें मैच नहीं कर रहा, तो लिख देना मैच नहीं करेगा, ठीक। अब एक नया केस बना के दे दिया, वो कह रहे फाइंड पॉसिबल हार्मोनिक्स इन द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ रॉड क्लैंप्ड इन द मिडल। एक रॉड है, वो कह रहे यहां पर क्लैंप कर दिया, मिडल में क्लैंप कर दिया, ये केस हमने नहीं किया। कह रहे इसके अंदर अगर नोड एंटी नोड बनेंगे तो हार्मोनिक्स आएंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ν₁ को हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो सोचो जब पहला फंडामेंटल मोड बनेगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो क्लैम्प्ड है वो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर नोड बनेगा, ओपन एंड में क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो पहला फंडामेंटल का केस अपनी जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर किया उसके बेस पे पहला केस क्या बनेगा, नोड और एंटी नोड, दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। थोड़ा और जोर की बजाओगे तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, एक लूप यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक लूप यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तीसरे केस में क्या होगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो लूप्स यहाँ पर आ जाएंगे, दो लूप्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे ये फर्स्ट केस है, ये लंबाई कितनी है लैम्डा बाय 4, ये कितनी है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज लैम्डा बाय 2, तो लेंथ क्या है लैम्डा 1 बाय 2, यहां से लैम्डा 1 आ गया और यहां से सॉल्व करके ν₁ आ गया, तो ν₁ इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरे केस में ये लेंथ कितनी है लैम्डा बाय 4, ये दोनों मिला के लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 विल गिव 3/2 लैम्डा, तो एल की वैल्यू लैम्डा 2 आ गया, तो यहां से ν₂ आ गया, ν₂ जो आया वो 3 times फंडामेंटल आया। तो पता लग रहा है पहले केस में फंडामेंटल अगर ν₁ है तो दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 into ν₁ है, और नेक्स्ट केस में क्या आएगी 5 into ν₁ आएगी, नेक्स्ट में क्या आएगी 7 into ν₁ आएगी। तो ν₁ के कोफिशियंट को क्या बोलते हैं हार्मोनिक, तो पहला हार्मोनिक अगर 1 है तो दूसरा हार्मोनिक 3 है, नेक्स्ट क्या है 5, नेक्स्ट क्या है 7, वो ये हार्मोनिक्स पूछ रहा है, तो इसमें 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन ये हार्मोनिक्स आएंगे। क्लियर है, थोड़ा हटके केस है, ये स्टैंडर्ड केस से थोड़ा अलग केस है, ठीक। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें।